कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी की मौजूदगी में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति मुख्यालय में घोषणा पत्र जारी कर दिया गया था। पार्टी ने अपने घोषणा पत्र को न्याय पत्र का नाम दिया और इसके साथ ही घोषणा पत्र में 25 तरह की गारंटियां भी दी गई, वहीं 10 न्याय शामिल है। घोषणा पत्र पर भाजपा नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि उनकी यानी कि कांग्रेस की घोषणाएं ही रहेंगी। उन्होंने यह घोषणा पत्र 2024 के लिए बनाया है, 2029 या 2034 के लिए बनाया है, हमें इसकी जानकारी नहीं है। ऐसा घोषणा पत्र वे पहले भी निकाल चुके हैं। मनजिंदर सिंह सिरसा ने आगे कहा कि उनका बस चले तो ये भी लिख सकते हैं कि हम आएंगे तो देश में सब कुछ मुफ्त हो जाएगा, क्योंकि सोनिया गांधी का एक ही सपना है कि किसी प्रकार से राहुल गांधी को सांसद बना दे। पिछली बार तो वे सांसद बन गए थे, इस बार ये नहीं हो पाएगा। ऐसा ही उनकी तो बेचारों की घोषणाएं रहेंगी। अब उन्होंने पता नहीं 2024 के लिए बनाया, 2029 के लिए बनाया, 2034 के लिए बनाया, ये तो हमें नहीं जानकारी। ऐसा पत्र वो पहले भी निकालते रहे, वो झूठ के पुलिंदा है, इसलिए उनकी कोई बात तो सुनता नहीं है। अब तो उनका बस चले तो ये भी लिख कर दे सकते हैं कि हम आएंगे तो देश में सब कुछ फ्री हो जाएगा, ऐसा भी लिख के देखने की वो सोच रहे हैं। क्योंकि अब सोनिया गांधी का एक ही सपना है कि किसी तरीके राहुल गांधी को एक बार एमपी बनाने, पिछली बार तो बन गया था, इस बार वो भी नहीं बनता दिख रहा। और दूसरा इनका सपना रहा है राम राम जपना पराया माल अपना, ये तो वो काम करने वाले लोग हैं, इनका देश के प्रति कोई भावना नहीं है। ऐसा